नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलोरा ब्लॉग्स में। आज एक बार फिर से मुझे घर आने का अवसर मिला है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा पिछली बार मेरे जो किचन गार्डन में क्या क्या बोया गया था, इस बार मैं क्या क्या आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे पीछे का पूरा व्यू देखेंगे आप, तो ये है नज़ारा। पिछली बार ये जो जमीर थे ये हरे थे, इस बार इसमें पीलापन आ चुका है। को चटनी में बहुत यूज किया जाता है, विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है इसमें। नींबू वर्गी फलों में इसको शुमार किया जाता है। ये पूरा आप देख सकते हैं, तो इनका जो यूजेज है हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। 4 साल का पेड़ है, 4 साल में इसने फल दे दिया है। और ब्रोकली अभी छोटे छोटे हो रहे हैं, ब्रोकली भी लगाई गई थी। और यहाँ कागजी नींबू भी हो रहे हैं। साथ में जो धनिया बोया था वो धनिया अब बड़ा हो चुका है। ये देखिए, आपको बता दूं यहाँ हम टोटली गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। जैसे ये जाएगा इसके ऊपर ये खाद, तो ऑर्गेनिक रहता है भोजन। और ये रहा हमारा पालक, तो पालक हो रहा है। की मेथी भी बोई थी, मेथी भी हो रही है। बीच बीच में लाई भी है। और यहां पर लगाया है प्याज। मन जब भी आता है तो उन गार्डन पे आकर के कहीं ना कहीं फिर से वीडियो लेने का करता है, तो हर बार मैं कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ। इस बार ये बनाया है। पिछले वीडियो जो मेरी एक सीरीज चल रही है यात्राओं की, उनमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ की सड़कें कैसी हैं, साथ साथ में कौन कौन से गाँव पड़ते हैं, कैसा यहाँ का वातावरण है, उन सब पर प्रकाश डाला जा रहा है। आप उन सीरीजों को ज़रूर देखें, चाहे सरयू वैली वाली हो, चाहे नौकुड़ी वैली हो, या हरिद्वार से ग्वालदन तक का हो, बालीघाट से कपकोट हो, ऐसे एक्सप्लोर करते रहेंगे। आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो ब्लॉगिंग है मेरी, उसमें मैं आप लोगों को प्रकृति के साथ जुड़ाव भी करूं, साथ साथ में ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं जो आपके लिए और हमारे लिए बहुत यूजफुल हो। तो मटर बोई थी, गौरी मटर, इसमें फूल आने लग गए हैं अब। तो यानी हम मिश्रित खेती यहाँ पे करते हैं, सभी प्रकार का यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहता है। मटर अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा पाला गिरने की वजह से अभी जो कश्मीरी पालक है ये अपना ग्रो नहीं कर रहा। अप्रैल के आसपास ये ग्रो करना बहुत स्पीड से ग्रो करेगा। तो ये तो था मेरा किचन गार्डन में आजकल क्या क्या हो रहा है। अभी सर्दी का समय है तो थोड़ा ग्रोथ कम होती है इनमें, लेकिन जैसे ही सर्दी जाएगी तो इनमें एकदम ग्रोथ आ जाएगा और सब्जी यहाँ पर खाने योग्य हो जाएंगी। तो ये सब हमारा जो पहले घरों का जो हमारे पूर्वजों ने कॉन्सेप्ट बनाया था, पीछे जंगल आगे मकान, उसके आगे सब्जी उत्पादन के लिए, कमाने में तो इनको बाड़ बोलते हैं, लेकिन छोटे खेत जिनमें सब्जी उत्पादन हो उसके आगे फिर अन्य खेती के लिए
होता है। प्रयोग कई वर्ष पहले यहाँ बर्फ गिरती थी, लेकिन अब थोड़ा बर्फ गिरना कम हो गया है। ये कह सकते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ साफ दिख रहा है। मुझे याद है बचपन में जब हम कक्षा 5वीं 6वीं में थे तो हम क्या करते थे, बर्फ़ को इकट्ठा करके उसका कोई ट्रॉफी जैसा या इंसान जैसा बना करके उसको खेलते थे। बहुत ठंड होती थी और जो कद्दू पक गए होते यानी पीले हो चुके होते थे उनको हम उन दिनों काट करके उबाल करके खाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। ये पूरा एरिया बर्फ से ढक जाता था। तो ये है लूटी, इसमें शिखर मुन्नारायण जो है उन्हीं का है। एक यहाँ पर मुन्नारायण मंदिर भी ऊपर है, यहाँ लूटी मुन्नारायण बोलते, बड़ा मैदान है आगे इसके ऊपर आप देख रहे हैं। पीछे आप देखेंगे हमारे मकानों की जो पीछे है वह बांज और प्लांट के जंगल, और देखेंगे आप आसमान कितना साफ नीला आसमान आपको दिख रहा है। तो इससे ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, स्वास्थ्य के अनुकूल है। यहाँ की जो लोग भी उम्र हुआ करती थी, अब तो सबका खान पान बिगड़ गया, पहाड़ों में सभी ऐसे से ऊपर जाते थे। अभी पिताजी की एज भी हमारी 90 प्लस है। तो ये सब ये इसका कारण है, स्वच्छ खान पान। अभी हम परिवार के अन्य सदस्यों से भी मिलाएंगे, भाई साहब भी दिल्ली से आए हैं, दिल्ली हल्द्वानी से भी आए हैं परिवार, और यहाँ पर भी इन्होंने बुआई कर रखी है। इन केले की जो पत्ते आपको हरे दिख रहे हैं कुछ समय के बाद ये पूरे कट जाएंगे, तुषार पड़ जाता है तो ये पूरा चल जाते हैं। और धूप यहाँ सुबह 7 बजे क्लियर पहुँच जाती है, और आप देख रहे हैं लथपथ है यहाँ पर फलों से। तो ये ब्रोकली लगाई गई है, उसने बाद ब्रोकली 2-3 महीने की बात तैयार हो जाएंगी। और मैं तुझे आप लोगों का एक चीज़ स्पेशल बताने वाला हूँ, वो है ये जो आपको दिख रहा है, ये है वास्तव में एक मेडिसिनल प्लांट। जब हड्डियों में दर्द होता है तो इसको पीसने के बाद इसका लेप किया जाता है, वो दर्द जो टूटी हड्डियाँ होती है वो भी जुड़ जाती हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी दीदी ने किया था, हाथ ब्रेक हो गया था लेकिन इसको यूज किया गया था। अभी तो इसमें पतझड़ है और इसका तो बार बार मन कर रहा है इसको फोटो ले करके। आप देख ही रहे हैं इतना सुंदर दृश्य है। चलो अब आगे लिए चलते हैं। यह है बाखली हमारी, आगे आप पटाल देखेंगे। ये हमारे पूर्वज यही यूज करते थे, सीमेंट का तो यूज होता नहीं था लेकिन ये बड़े अच्छे रहते हैं, आप रिप्लेस भी इनको कर सकते हैं कोई टूट फूट हो तो। और समूह में रहने की परंपरा पाखली सिस्टम अब तो आज के डेट में इंसान इंडिपेंडेंट मकान बना रहा है, लेकिन पहले सब समूह में रहा करते थे। ये हमारा चाचा जी का गार्डन है, बंदरों की वजह से इनको थोड़ा सुरक्षा कवच दिया गया इन्होंने। यहाँ हो रही इनकी फूल गोभी, अभी ग्रोथ अच्छी है। सबने यहाँ लहसुन उत्पादन, हमारे लहसुन और नींबू इस दो चीज़ के लिए हमारा गांव बहुत फेमस है। यहाँ लहसुन देखेंगे आप, इस ओर लहसुन देखेंगे, उधर लहसुन देखेंगे, और आगे तो पूरा लहसुन का ही कार्य किया जाता है, लहसुन उत्पादन किया जाता है। और ये केलों को ढका गया है तो सार ना पड़े इनमें, नहीं तो पकते नहीं है।
तो फिर से मैं आपको एक बार और कीवी गार्डन की ओर लेके आया हूँ। ये हमारे कीवी का बगीचा पूरे पतझड़ हो चुके हैं, इसमें हो रहे हैं। अब इसके बाद इसकी प्रूनिंग की जाएगी फरवरी माह में, ठीक। इसमें हम मल्टी लेयर काम कर रहे थे, इलायची भी दर है, साथ में लहसुन भी है, और ऊपर अभी कीवी तो निकल चुकी। इसमें इस बार 200-300 फल आए थे इसमें, और साथ साथ इलायची का भी है। तो ये हमारा वर्क अभी भी इनमें जारी है। अब प्रूनिंग करेंगे उस वक्त इसको काट दिया जाएगा, थोड़ा इसकी छटनी होगी। ये काम होगा हमारा फरवरी में। चलते हैं आगे। यहाँ से बाकली इंडो होती है, आप इसको देख करके बता सकते हैं कितने मकान इसमें होंगे पूरी बाकली में। कमेंट सेक्शन में जरूर उत्तर दीजिएगा कितने मकान होंगे इसमें। चाचा जी का गार्डन देखा जाए तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं इसमें। ये आप देखिए पूरा लेयर बांध रखा है, बीच में संतरे के पेड़ भी हैं, और साथ में यहाँ आप देखेंगे इन्होंने भी लहसुन बोया है, इन्होंने भी यहाँ पर लहसुन का उत्पादन किया। ये है बड़ी नींबू, है निपुण की रस को निकाल करके गर्मियों में यूज करते हैं। बाकी नींबू बनाने का एक तरीका अलग है, नींबू बनाना है यहाँ पर बोला जाता है। उसको छिलने के बाद मसाले डाल करके, दही डाल करके मीठा बन आ जाता है। तो ये है हमारा पीछे का आंगन। चल रही है पुष्टि, ज्ञान चर्चा भी यहाँ चल रही है। ये हमारे पहाड़ की चूल्हा चौकी होती है, जैसे आप देख सकते हैं किस तरह से घर के बीच सेंटर में ये आग कैसे चलती है। देखो बांस की लकड़ी है, इस तरीके से इसको जाती कहते हैं, इसको तुआई कहते हैं पहाड़ी में, इसको रोन कहते हैं। और ये जो हमारी पहाड़ी की जो नारियां हैं किस प्रकार से अब हम नई रेसिपी बना रखी है, जरा बताएंगे इसके बारे में। हाँ जी, हम पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे यहाँ पर जो ये पहाड़ी तरीके से किस प्रकार से चूल्हा चौकी होती है। हाँ जी, इसको हमारे पहाड़ में देखो बिल्कुल सेंटर में है घर के, ताकि आग भी सेकते हैं। हाँ जी, रोटी अपना पकवान भी बनता है, और इसको रून कहते हैं जो आपको दिख रहे हैं। हाँ, जिसको हर्थ कहते हैं, यही होगा। जी जी जी, इसको अंग्रेजी में इट इज कॉल्ड इन हर्थ, बट इन कुमाऊनी लैंग्वेज इट इज कॉल्ड रून। रून के ऊपर आग जल लो, और ये जैच कौन है, तीन फुट है। लेकिन एक तरीके पहली जो हुई का जो लोग एक चीज और हुई क्यों हूँ, अरे बाड़ा है वो क्या है ना, बाड़ा भी बताते हैं आपको, जरा वेट करो। पहले मैं इसको बता रही हूँ जो हो जाती जाती में आदमी कोई, और हमारी पहाड़ी नारियां देखो एक शोन का साग बोलते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे जी। और ये रोटी बना रहे किस तरीके से रोटी बना रहे, सारे ये हमारे पिताजी हैं, वो बहन जी है, ये छपर भी कहते हैं देखो छपर। और आपको पूरा दिखाते हैं पहाड़ी दृश्य, उधर भी देखो जो भात बनता है ना जिनका, वो ऐसा वाला चूल्हा ही दिन में बनता है, इसमें चावल में धुआं जो है सीधे बाहर निकालने के लिए, धुआं निकालने का पूरा। और आप एक चीज कह रहे ना इसके ऊपर होता था, उसको रिशा बोलते हैं, रिशा 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 कहते हैं। तो सीधे सीधे आपको बाहर दिखाते हैं, देख लगाते हैं
जो ठीक आग जो जल रहा है मैच में हो। अच्छा इसको खोलेंगे तो ये मैच में हो वहाँ के बोला जो मैच में भाड़ में जब बरसात में धूप नहीं आती थी मतलब एक प्रकार पुराने वैज्ञानिक ही हूँ। बिल्कुल, ये हमारा परिवार है, पिताजी, बड़े भाई साहब, दीदी, भाभी और ये हमारी भगवती है। चलो अब हम बाहर में भी कुछ लोग हैं उनसे मिलते हैं। ये हमारा इस वर्ष तो वैसे भी मिलेट ईयर मना रहे हैं, मोटा अनाज वर्ष। ये रहा मड़ुआ, तो ये हमारे गांव का व्यू है। यहाँ से उधर लास्ट जो आप पहाड़ी दिख रही है पिथौरागढ़, वहाँ से लग जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।